अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लक्की भाई पाकिस्तानी। तो आपको चाइना के कोई ना कोई सीनिक पॉइंट वो दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे सीनिक पॉइंट्स वो बनाए हुए हैं जगह जगह पे, क्योंकि ये सब लोग मोस्टली दो या तीन कमरे या चार कमरों के अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो जाहिर है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, एक घुटन है। तो उसके अलावा इन चाइनीज़ का जो सोशल इंट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम है, क्योंकि लंबा फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई पांच चार भाई मामे चाचे इस तरीके से इनका सिस्टम नहीं है। तो ये फिर अपना वीकेंड पे अपने बच्चों को लेके और सीनिक पॉइंट पे चले जाते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत सीनिक पॉइंट है जो यहाँ विनजियांग के करीब है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसा ज़बरदस्त पॉइंट है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर। तो ये देखें आप, आपको ये रोड्स दिखाते हैं। ये शहर है, बिल्कुल जो शहर का सेंटर होता है, आप वहाँ पे दरख्तों की तादाद देखें कि किस तरीके से इतने ज़बरदस्त और खूबसूरत। और कोई टिकट नहीं है यहाँ पे पार्क के अंदर इंटर होने की। हाँ, अलबत्ता अगर आप झूले लेते हैं तो उसकी आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी।
ऑस्ट्रिच की ये कोई ब्रीड है। ये देखें कि कुत्ते को भी पैंपर लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे कंपनियाँ डॉग साइज पैंपर भी बनाती हैं। आई डोंट नो इसका नाम क्या है, लेकिन कमाल चीज़ लग रही है। ये कोई बैलून में गैस भरी हुई है, वो उनको चार लोग हैं जिन। जब आप पार्क में घूम घूम के थक जाएं तो फिर यहाँ पे मसाज मशीनें पड़ी हुई हैं, इनसे आप मसाज भी करवा सकते हैं। नहीं समझता, लेकिन आप देखें कि इस झूले को लेने के लिए यहाँ पे कितना रश लगा होगा, सिर्फ इस झूले को लेने के लिए। बाकी हाउस है जी, यहाँ पे ये इस तरीके से कोई स्कैरी मूवी अंदर लगी हुई है, ढांचा बना हुआ है। आज देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे कितना खौफ आता है हमें देख के। चालीस युआन की टिकट लेके हम ये स्कैरी हाउस में जा रहे हैं और देखते हैं। ए हेलो, ये हमने आज फ्लोरल लैंड एक्सप्लोर किया है और आपको दिखाया है कि किस तरह से ये चाइनीज़ अपने जो वीकेंड होते हैं उनको एंजॉय करते हैं।
तो और इनकी आपने निज़ाम देखा सफाई का, के अलावा अंदर सारी सर्विसेज जो आपने झूले और बाकी चीज़ें आपको दिखाई, और आपको चाइना की सैर करवाते रहेंगे। अस्सलाम।